आज की वीडियो में हम आपको वन आल सिरप के बारे में जानकारी देंगे जिसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में किया जाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको वन आल सिरप के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो वन आल सिरप, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 46 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और ये 30 ml की पैकिंग में आता है। इसकी मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको FDC लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और आइए जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें लिवोसेट्रिजिन होता है जो कि प्रत्येक 5 ml में 2.5 mg होता है। तो आइए जान लेते हैं इस सिरप के यूजेज के बारे में, वन आल सिरप का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो लिवोसेट्रिजिन जो कि एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवा है, इसका इस्तेमाल एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी भी कारण से एलर्जी हो गई हो, चाहे वो धूल मिट्टी के कारण हो गई हो या मौसम के बदलने से हो गई हो, बार बार छींकें आ रही हो, आँखों से पानी आ रहा हो, नाक से पानी आ रहा हो, सर्दी जुकाम की समस्या हो या गले में खराश हो, खांसी आ रही हो, तो इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलर्जी के कारण शरीर में खुजली हो रही हो, दाने निकल गए हों, त्वचा में सूजन या लालीपन हो गया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन ये सिरप है जो कि एलर्जी को ठीक करता है। इसमें जो लिवोसेट्रिजिन है, यह शरीर में प्राकृतिक पदार्थ हिस्टामिन को रोकने का काम करता है जो कि एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो किसी भी कारण से एलर्जी हुई हो, उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इस सिरप को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सिरप का जो डोज होता है, बच्चे के एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है। इसके नॉर्मल डोज की बात किया जाए तो अगर कोई बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल के बीच में है तो उसको 2 ml से 3 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सुबह शाम भी दिया जा सकता है। और अगर कोई बच्चा 6 साल से 12 साल के बीच में है तो उसको 5 से 6 ml दिन में एक बार दिया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सुबह शाम भी दिया जा सकता है। तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें और डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें, तभी इस सिरप का इस्तेमाल करें। क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है यह कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। और आइए जान लेते हैं वन आल सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर इस सिरप में मौजूद कंटेंट से किसी को एलर्जी है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, कब्ज हो सकता है, आलस आना, मुंह सूखना, सर दर्द होना। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी वन आल सिरप के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।